हेलो दोस्तों, नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, हम चाहे ड्रीम इलेवन में किसी भी टीम को अपनी टीम बनाकर कॉन्टेस्ट खेलते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट की टीम हो या हमारे किसी यूट्यूबर के एनालिसिस प्रेडिक्शन के द्वारा हमने कोई टीम बनाई हो। तो 8 प्लेयर से ज़्यादा ड्रीम टीम में आते ही नहीं है, यही हमारी समस्या हर बार बनी हुई है दोस्तों। इससे ज़्यादा प्लेयर ड्रीम टीम में आते नहीं हैं और हमारी टीम रैंक लाती नहीं है। अब जो बचे हुए जो 3 प्लेयर है दोस्तों, 2 से 3, जो 10-11 प्लेयर मिलके जो ड्रीम टीम बनती है, ये हमारे कहाँ पे छूट रहे हैं। इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इन 2 और 3 प्लेयर पे फोकस करना है। 8 प्लेयर तो आप किसी का भी एनालिसिस प्रेडिक्शन देख के टीम बनाएंगे, खुद बनाएंगे, एक्सपर्ट की टीम लेकर अपनी टीम कॉन्टेस्ट में खेलेंगे, तो भी 8 प्लेयर तो आ ही जाते हैं ड्रीम टीम में। लेकिन मसला हमेशा रहता है दोस्तों 2 से 3 प्लेयर का, और यही सबसे बड़ा जो कारण है हमारी टीम रैंक नहीं कर पाने का। इसी मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों, और आप छोटे से वीडियो के माध्यम से समझिएगा, मैं इतने शानदार पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो। ज़्यादा नहीं दोस्तों, मात्र 10 मैचों में आपकी टीम 1 करोड़ वाली टीम बन के आएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों इसे आप ऐसे समझिएगा, एक 11 प्लेयर की हमने टीम सेलेक्ट करेंगे, उसके आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी ये एक टीम है, ड्रीम टीम, जिसमें एक विकेट कीपर है जो आपने सेलेक्ट किया है। बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की, ये बैटर आपके रहेंगे दोस्तों 1, 2, 3 और ये 4। बात कर लेते हैं दोस्तों ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर रहेंगे दोस्तों आपके 1, 2 और 3। बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलर की, वो भी आपके रहेंगे 1, 2 और ये 3। दोस्तों 1, 4, 5, 3, 8 और 3, 11, ये आपकी टीम है मान लीजिए। इसी तरीके से हमको एक फिक्स टीम बनानी है सबसे पहले तो, जिसमें हमारे 11 प्लेयर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। एक ही विकेट कीपर के साथ हम हर बार जाएंगे, जैसा मैंने कहा ना आपको 10 मैचों वाली बात, उस आधार पे। दूसरी बात, हम बल्लेबाज जब सेलेक्ट करेंगे तो हम 4 बल्लेबाजों के साथ जाएंगे। तीसरी बात, हम 3 ऑलराउंडर और चौथी बात, हम 3 बॉलर के साथ अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे 8 प्लेयर ड्रीम टीम में आ रहे थे, डी टीम में आ रहे थे, उनको 8 से ग्रो करके 10-11 तक हमारी टीम में कैसे वो आएंगे। जो 2 से 3 प्लेयर का जो फर्क है, जिस पे हमको काम करना है, सिर्फ समझिएगा, आप जब भी बल्लेबाज सिलेक्शन करेंगे, मोटे मोटे तौर पे आप जो ये 2 बल्लेबाज सिलेक्शन करेंगे, ये आपके ओपनर में से होना चाहिए, जो दोनों टीमों के ओपनर खेलते हैं 4 में से। बाकी 3 और 4 नंबर पे जो बल्लेबाज आते हैं, उनमें से आपको इन दोनों बल्लेबाज को सेलेक्ट करना है। यानी कि 1 से 4 और 1 से 4 दोनों टीमों के मिला के 8 बल्लेबाज जो ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे सेकंड डाउन तक, उनमें से आपको ये 4ों बल्लेबाज सेलेक्ट करने हैं। पहली बात, बात करेंगे बल्लेबाज विकेट कीपर की, तो ये आपका 5वें, 6ठे या 4थे, इन 3 डाउन में से एक डाउन पे आता हो, यानी कि थोड़ा सा नीचे आता हो, 2-3 नंबर के बाद बल्लेबाजी करने आता हो, उस विकेट कीपर को आप अपनी टीम में बहुत आराम से रखिएगा। ये आपका 5 बल्लेबाजी का सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं मैच की स्थिति देख के, ठीक। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ऑलराउंडर और बॉलर में रहेंगी, और यहीं से आपका कप्तान वाइस कप्तान भी निकलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, समझिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। जब आप दोस्तों ऑलराउंडर सिलेक्शन करेंगे, आपको टॉप के 1, 2, 3 ऑलराउंडर ही लेने हैं, स्वाभाविक सी बात है। मैंने कई बार, हर बार मेरे पुराने वीडियो में बताया है ऑलराउंडर के बारे में। तो आप जब भी अपनी टीम में ऑलराउंडर लेंगे, टॉप क्लास के ही लेंगे। जब आपको कप्तान चुनना होगा, कप्तान हम ऑलराउंडर में से ही चुनेंगे। जब आपको कप्तान सेलेक्ट करना होगा, आपको मैदान की स्थिति, पिच की स्थिति और उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, आप मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें मैंने बहुत विस्तार से बता रखी है, तो हम ज़्यादा बात वहाँ की करेंगे नहीं। लेकिन हमको कप्तान कौन सा वाला ऑलराउंडर लेना है,
जो हम बेस्ट ऑफ थ्री ऑलराउंडर हर बार हमारी टीम में खिलाएंगे उनमें से, वही लेंगे जो चार पांच नंबर पर बल्लेबाजी करने आता हो और 20 क्रिकेट खेलता हो तो वो पूरे ओवर फेंकता हो, तीन चार ओवर उसके पास आते ही हो गेंदबाजी के, ठीक वो हमारा कप्तान इनमें से रहेगा। सारे ऑलराउंडर को तो पूरा मौका मिलता नहीं है ऊपर बल्लेबाजी का भी, या फिर चारों ओवर फेंकने का या ज़्यादा से ज़्यादा ओवर फेंकने का, तो वो तो एक ही होगा या दो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो दो में कन्फ्यूजन रहेगा। तो जैसा मैंने बताया, पिच रिपोर्ट, प्लेयर के परफॉर्मेंस, पिछले रिसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर आप उसको कप्तान बनाएंगे ऑलराउंडर को। ये आपकी टीम हो गई, ये विकेट कीपर हो गया, बल्लेबाज हो गया और ऑलराउंडर हो गया। अब फाइनली बात करेंगे बॉलर की। जब भी आप बॉलर सिलेक्शन करेंगे दोस्तों, तो आप इन तीन गेंदबाजों में से एक गेंदबाज ऐसा सेलेक्ट करना है जो स्विंग गेंदबाज हो, स्विमर जिसे कहते हैं, यानी कि जिस गेंदबाज की गेंद स्विंग ज़्यादा होती हो, चाहे वो बहुत तेज गति से फेंकता हो या धीमी गति से फेंकता हो, मीडियम फेंकता हो, कैसी भी गेंदबाजी करता हो, मीडियम पेसर हो पेसर हो, लेकिन वो स्विंग गेंदबाज हो। 22 प्लेयर में से आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 8-10 बॉलर वहाँ जो भी होंगे, जिनमें से आपको आपके तीन बॉलर लेने, तो पहला आपको यही ध्यान रखना है कि स्विंग गेंदबाज मुझे लेना है। दूसरे गेंदबाज को जब आप सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर अपनी टीम में सेलेक्ट करिएगा। दूसरा गेंदबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होते ही हैं, 22 प्लेयर में जो भी गेंदबाज खेलेंगे उनमें होते ही हैं, किसी मैच में नहीं हो तो टॉप स्पिनर पे आप जा सकते हैं, लेकिन स्पिनर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिन की तरफ आपको पूरा ध्यान देना है। बात करेंगे तीसरे और महत्वपूर्ण गेंदबाज की, जो शुरू के ओवर फेंकता हो, टीम का स्तंभ हो, दोनों में से किसी भी टीम से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इतना ध्यान ये नहीं देना है कि मैंने एक टीम से दो लेने हैं कि एक टीम से एक या तीनों ही एक टीम से, वो नहीं। लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्विंग गेंदबाज और एक जो टॉप ऑफ द टीम का गेंदबाज है, ये आपके तीन गेंदबाज आपकी टीम में रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वाइस कैप्टन की। वाइस कैप्टन हमारा रहेगा गेंदबाजों में से। वाइस कैप्टन आप थोड़ा सा मैदान की, दोनों आमने सामने टीमों की कंडीशन के हिसाब से ही सेलेक्ट करिएगा। उसमें आपका स्पिन गेंदबाज भी हो सकता है और विकेट टेकिंग, अगर मैदान है जहाँ विकेट अच्छे मिलते हैं, शुरू में विकेट मिलते हैं, तो जैसा मैंने बताया आपको स्विंग गेंदबाज पे आप फोकस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका कप्तान, जो आपको ऑलराउंडर में से लेना है, और थोड़ा सा ध्यान इसी बात का रखना है कि वो 4-5-6 नंबर तक तो बल्लेबाजी करने आ ही जाए, और अगर T20 क्रिकेट है तो 3-4 ओवर उसको मिलने ही चाहिए गेंदबाजी के, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे गेंदबाजी करने आ जाए, पांचवें तक उसका टाइम ना ले टीम, ऐसे गेंदबाज प्लस बैटिंग वाले ऑलराउंडर को आपको लेना है। दोस्तों ये छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आप इस तरह से अगर अपनी टीम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके चलेंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया 8 प्लेयर तो आप डायरेक्ट भी आपकी टीम पिक करेंगे तो 7-8 प्लेयर तो ड्रीम टीम में आते ही हैं। किसी एक्सपर्ट की आप टीम लेंगे, एनालिसिस प्रिडिक्शन वाले यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आप आपकी टीम लेंगे, तो भी 8 बहुत रेयर मैच होते हैं जब 9 प्लेयर बैठ जाते हैं, नहीं तो 8-7-8 प्लेयर से ज़्यादा बैठते नहीं। तो मसला यही है दोस्तों कि 2-3 प्लेयर जो हमारे नहीं आ पा रहे, यानी कि 8-9 प्लेयर जो ड्रीम टीम में आ जाते हैं, लेकिन 10वां 11वां जो प्लेयर है जिस पर हम काम नहीं कर पा रहे, तो आप इस तरह से अपनी टीम में करेक्शन करेंगे तो आपकी टीम में 10-11 प्लेयर के ड्रीम टीम में आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। कप्तान और वाइस कप्तान का सिलेक्शन आपका ये रहेगा और लगातार यही रहना चाहिए। जैसे कि आपने 10 मैच हमको खेलने हैं, 10 मैच में हमने टीम बनानी है, तो रेगुलर आपका हर बार विकेट कीपर एक ही होना चाहिए। 4 ही बल्लेबाज के साथ आप जाएंगे, 3 ऑलराउंडर के साथ जाएंगे और 3 बॉलर के साथ ही जाएंगे, और कप्तान हमेशा आपका ऑलराउंडर, वाइस कप्तान हमेशा आपका बॉलर ही रहेगा, ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है।